जादुई पानीपुरी वाला। एक अनोखे गांव में हमें रामू नाम का एक करिश्माई और चालाक युवक रहता है। वह अपनी साइकिल से स्वादिष्ट पानीपुरी बेचकर अपनी घर चलता है। गांव वालों को उसकी पानीपुरी बहुत पसंद है और रामू की चतुर मार्केटिंग कुशलता उसे काफी लोकप्रिय बनाती है। रामू ने कहा, आओ स्वादिष्ट और जादुई पानीपुरी खाओ, आपकी जीप को मजा आ जाएगा। रामू भाई, तुम्हारी पानीपुरी है ही इतनी मजेदार, मैं तो रोज खाने आता हूँ। हाँ, सच्ची में यहाँ की पानीपुरी कोई और नहीं बना सकता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ग्रामीणों का रामू की पानीपुरी से आकर्षण कम होने लगता है। व्यवसाय धीमा हो जाता है और रामू अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए विचारों पर विचार करना शुरू कर देता है। रामू पानीपुरी की नई किस्मों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे उन्हें स्वादयुक्त शीतल पेय से भरना और उन्हें अद्वितीय बनाने के लिए दही मिलाना। वह बड़ी चतुराई से गांव की गर्भवती महिलाओं को समझाता है कि दही पानीपुरी खाने से उनके बच्चे पैदा होंगे और ठंडा पेय पानीपुरी उन्हें लड़कियों को जन्म देगा। महिलाएं, आपके लिए खास सरप्राइज, देखो यह ठंडी कुल्फी पानीपुरी और यह दही वाली पानीपुरी, इन्हें खाने से एक जादुई अनुभव मिलेगा। मेरे खास अनुभव के मुताबिक यदि आप यह दही पानीपुरी खाती हैं, जब आप गर्भवती होती हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक लड़के होगा। और अगर आप यह कुल्फी पानीपुरी खाती हैं, तो आपको एक लड़की होगी। एक महिला ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आपको जो भी अनुभव हो वह जादुई होता है। और एक महिला ने कहा, मैं तो पहले से ही बेटे की इच्छा रखती थी, अब तो यहाँ से भी खा कर देखती हूँ। चलो आज ही खा लेते हैं और जान लेते हैं बच्चा लड़का होगा या लड़की। बस अब देखिए, मजे की बात है, यह जादू कैसे करता है। गांव की महिलाएं रामू की पानीपुरी का लुत्फ उठाने के लिए बेताब हो जाती हैं। रामू की विशेष पानीपुरी के कारण वे सभी के बीच एक प्रसिद्ध नाम बन जाते हैं, जिन्हें सभी महिला पानीपुरी प्रेमियों के बीच लीजेंड माना जाता है। गांव की महिलाएं रामू के दावों में विश्वास करके दही और कूलरिंग पानीपुरी का आनंद लेने लगती है। जल्द ही गांव में रामू के जादुई पानीपुरी की बात से शोर मच जाता है। गांव के बुजुर्ग एक बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उन्हें रामू की पानीपुरी के प्रति महिलाओं का जुनून नजर आता है। उन्हें संदेह हो जाता है और वे आगे की जांच करने का निर्णय लेते हैं। ये सब तो बस चाल है, रामू ने हमें धोखा दिया है और हमें अपने नए पानीपुरी विकल्पों से बेवकूफ बना दिया है। हम रामू की परीक्षा करने का निर्णय करेंगे, उसे सच्चाई और ईमानदारी की पहचान होगी। हम थक गए हैं, रामू हमें धोखा दे रहा है, हमें उसको गांव से निकालना चाहिए। अभी हमें विचार करने का समय है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे भविष्य में धोखा न दे और उसकी इस गलती से सीख लेना चाहिए। रामू के धोखेबाज कार्यों पर चर्चा करने के लिए ग्रामीण एक बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं। वे उसका सामना करते हैं और एहसास के एक क्षण में रामू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और माफी मांगता है। गांव वाले रामू को क्षमा करते हैं, समझते हैं कि लालसा ने उसे भटका दिया था। उन्हें उनकी ईमानदारी का सम्मान है और उन्हें अनुमति देते हैं कि वह अब सच्चाई और ईमानदारी के साथ पानीपुरी बेचे। बेलापुर नामक एक सुंदर गांव में विराज और हितेश नामक दो आदमी अगल बगल घरों में रहते थे। विराज उसकी पत्नी गीता के साथ एक छोटे घर में रहता था और उसी घर में पशुओं का पालन करने के कारण
उसके पास बहुत सारा दही रह जाता था और इसी कारण वो उसके घर के सामने एक छोटा सा पानी पूरी का दुकान लगा के वहीं पे दही पूरी भी बेचता था। विराज का पड़ोसन हितेश उस गांव में सबसे ज्यादा अमीर था, इसी कारण वो गांव में सबसे बड़े घर में रहता था और कोई काम नहीं करता था। उसे बहुत गर्व भी था और सबसे बहुत अकड़ में बात करता था। एक दिन दोपहर के समय में विराज दही पूरी बेच रहा था। दही पूरी विशिष्ट रूप में बनाया हुआ नए तरीके का दही पूरी। आइए बाबू आइए, जल्दी आइए, एक प्लेट का सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। उसके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ से गुजर रहे हर एक आदमी उसके चीखे सुनकर उसके दुकान आके दही पूरी खाते हैं। लेकिन उसी समय उसके बगल वाले घर में सो रहे हितेश को विराज की आवाज सुनकर डर के मारे अचानक जाग उठता है। हाँ, इस आदमी की आवाज के वजह से मेरी अच्छी खासी नींद खुल गई। अगर आइंदा ऐसा नहीं होना है तो मुझे अभी जाकर इसे बता देना होगा। ये फैसला करके हितेश गुस्से में विराज के पास जाता है। अरे, ये तो सारे गांव में सबसे अमीर है, ये मेरे पास आ रहे हैं तो लगता है कि मेरे पास मौजूद सारे दही पूरी खत्म हो जाएंगे। विराज ऐसे सोचकर खुश होता है जब हितेश उसके दुकान आता है। अरे रे हितेश साहब, बोलिए ना, कितने दही पूरी बनाऊं मैं? विराज, मैं इधर दही पूरी खाने नहीं आया, तुम्हारी ये चीखे मुझे बहुत तंग कर रही है। हर रोज तुम दही पूरी करके चिल्लाकर मेरा नींद मेरा चैन खराब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं किसी भी चीज का काबिल हूँ। अगर अगली बार ये चीखे मैंने सुना तो तुम, तुम्हारा घर और ये दुकान यहाँ नहीं रहेगा, समझे? साहब, मेरे चिल्लाने के कारण ही जा रहे लोग, आजू बाजू के लोग सारे यहाँ आके खा रहे हैं, वरना उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं दही पूरी बेच भी रहा हूँ। अगर नहीं चिल्लाऊंगा तो धंधा कैसे चलेगा साहब, इसलिए मुझे माफ कीजिए पर मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो फिर तुम एक काम करो, तुम्हारा ये घर मुझे दे दो, यानी तुम इसे मेरे नाम पे कर दो। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर एक बड़ा घर दूंगा, वहाँ तुम यही दुकान चला सकते हो। मुझे माफ कीजिए साहब, ये घर दिखने में छोटा ही क्यों ना हो, ये मेरे पापा का है, सालों से ये हमें जायदाद में मिल रहा है, इसे छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा। आपके इन दोनों कामों को मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। और वैसे भी यहाँ के और कोई पड़ोसी अब तक मुझे ये नहीं बोले कि मेरी चीखे उन्हें तंग कर रहे हैं, सिर्फ आप ही ऐसे कह रहे हो। मतलब तुम मुझे सवाल कर रहे हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? मुझे ना करने के लिए और मुझे सवाल करने के लिए तुम भुगतोगे, देख लेना। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम खुद यहाँ से तुम्हारा दुकान खाली करके चले जाओगे। ये कह के हितेश वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अपने आप उसे भगाना होगा पर कैसे जाएगा, क्या करूं? हाँ, ये सही है, मैं उसके दुकान के एकदम आगे एक और बड़ा दुकान लगाऊंगा। उसमें मैं एक ऐसे आदमी को लगाऊंगा जो दही पूरी विराज से भी अच्छा बनाए और वो दही पूरी विराज से भी कम दाम में बेचेगा। ऐसे विराज को छोड़कर सारे लोग मेरे ही दुकान आएंगे, इसी कारण विराज दुकान छोड़कर चले जाएगा। ये फैसला करके वो दूसरे ही दिन विराज के दुकान के ठीक सामने एक बड़ा सा दुकान लगाता है। उसमें एक बहुत अच्छा दही पूरी बनाने वाला और वहाँ के ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सियों की इंतजाम भी करता है और उस दही पूरी का दाम भी विराज से कम ही होता है। विराज के दुकान से कम दाम होने के कारण उस गांव के सारे लोग दही पूरी खाने के लिए हितेश के दुकान ही जाते हैं और विराज के दुकान को जाना बंद कर देते हैं। ये देख हितेश खुशी से पगला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विराज देखते ही रहता है कि सारे ग्राहक उसके दुकान आए बिना हितेश के दुकान ही जाते रहते हैं। हितेश ने सिर्फ जीतने के लिए ये सब किया है, मेरे दुकान के ठीक सामने उसका एक बड़ा दुकान लगाकर, उसमें एक बावर्ची लगाकर, कुर्सियां लगाकर दाम को कम करके दही पूरी बेच रहा है ताकि सारे ग्राहक सिर्फ उसके दुकान जाए और मेरे यहाँ नहीं आए। ऐसे ही करने दूंगा उसे तो वो जीत जाएगा,
मुझे कुछ तो भी करके अपने और ग्राहकों को बढ़ाना होगा, मगर कैसे? अरे हाँ, हितेश के दुकान सभी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ दही पूरी का दाम कम है। अगर मैं उसके दाम से भी कम करूँगा तो सारे ग्राहक मेरे ही पास आ जाएंगे वापस। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये फैसला करके वो अगले दिन से हितेश के दुकान से कम दाम में दही पूरी बेचने लगता है। ये बात सुनते ही गांव के सारे लोग विराज के दुकान जाना वापस शुरू कर देते हैं और हितेश के दुकान जाना बंद। ये बात सुनते ही हितेश क्रोधित हो जाता है और गुस्से में ये फैसला लेता है कि उसके दुकान में दही पूरी वो सबको मुफ्त में दे देगा। जैसे ही गांव वासियों को पता चलता है कि हितेश के दुकान में सारे दही पूरी मुफ्त के हैं, तो सारे वही चले जाते हैं। इतना कि हितेश का दुकान भीड़ित हो जाता है और विराज के दुकान कोई नहीं जाता है। हितेश तो अमीर है और अमीर होने के कारण उसको उसके दुकान में मुफ्त दही पूरी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा ना, मैं जितने भी दही पूरी बनाऊं मेरे दुकान कोई नहीं आएगा क्योंकि हितेश के दुकान में सब कुछ मुफ्त है। अब तो मेरा व्यापार चलना नामुमकिन है, लेकिन मुझे दही पूरी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? इस मुसीबत का हल कैसे ढूंढूं? मैं क्यों डरूं? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं भी देखूं तो सही कि ऐसे मुफ्त में कितने दिन कितने दही पूरी दे देगा। एक ना एक दिन उसके दुकान में दही पूरी खत्म हो जाने के कारण तो कोई ना कोई मेरे दुकान आ ही जाएगा। इसलिए मैं दही पूरी बेचना बंद नहीं करूंगा। हर रोज मैं अपना दुकान खुला ही रखूंगा। एक ना एक दिन तो लोग आएंगे ही। तब से वो ठान के हर रोज कम मात्रा में दही पूरी बनाने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दुकान का मालिक एक बहुत अमीर आदमी होने के कारण वो सबको मुफ्त में खिला रहा है और ये सब वो उसके पड़ोसी को हराने के लिए कर रहा है। लेकिन मुफ्त में खाना देने के कारण यहाँ बहुत भीड़ रह रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन उसका सारा जायदाद, सारे पैसे सिर्फ सबको मुफ्त दही पूरी देने में खत्म हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, रात के समय में तो मालिक दुकान में रहता ही नहीं है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितनी दही पूरी को बेच रहा हूँ। तो मैं आज से एक काम करूँगा, इसको यही कहूँगा कि मुझे सामग्री लेने के लिए पैसे चाहिए। मैं कम मात्रा में सामग्री लेकर बाकी पैसों को अपने पास रख लूंगा। यही अच्छा वक्त है, उसे पता भी नहीं चलेगा। इसी बहाने मैं कम से कम पैसों का बचत करूंगा। उसके विचार के मुताबिक ही वो अगले दिन से हितेश को झूठ बोलता था और सामग्री के लिए ज्यादा पैसे लेता था। वो कम पैसों में सामग्री खरीद कर बाकी पैसे उसके पास रख लेता था। ऐसे ही चलने के कारण एक दिन कम मात्रा में सामग्री लाने के कारण बहुत जल्दी दही पूरी खत्म हो जाते हैं और इसीलिए जो भी हितेश के दुकान आता है बावर्ची यही कहता है कि दही पूरी आज के लिए खत्म हो गए हैं। जब ग्राहकों को ये बात पता चलता है वो निराश होकर हितेश के दुकान से बाहर निकलते हैं और ये सब विराज देखता है। उसे किसी की बातें भी सुनाई देते हैं कि हितेश के दुकान में दही पूरी खत्म हो गया है। इसी मौका को देख विराज एकदम से चिल्लाने लगता है, दही पूरी, ताजा ताजा दही पूरी, आइए बाबू आइए। ठीक तभी विराज की चीखे सुनकर वहां से जा रहे ग्राहक मुड़कर उसके दुकान आके दही पूरी को खरीद के खाते हैं। ये देख विराज बहुत खुश होता है। भगवान करे कि कल भी ग्राहक ऐसे ही मेरे दुकान आके खाए। मन में ऐसे सोचकर विराज उस दिन दुकान बंद करके खुशी खुशी उसके घर जाता है। अगले दिन भी ऐसे ही हितेश के दुकान में वापस पानी पूरी खत्म हो जाने के कारण सभी विराज के दुकान में ही दही पूरी खाने आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विराज सुबह के समय में जब दही पूरी बनाने के काम में व्यस्त था, उसके एकदम सामने वो ये देखता है कि हितेश के दुकान में काम करने वाला बावर्ची उससे बहुत सारे पैसे लेता है। अरे, ये आदमी हितेश से इतने सारे पैसे क्यों ले रहा है? अगर सारे गांव को भी दही पूरी मुफ्त में खिलाना हो तो इतने सारे पैसे तो नहीं लगेंगे। दाल में कुछ तो काला है। ऐसे विराज सोचने ही लगता है
कि इतने में हितेश के बावर्ची को वो पैसे लेकर कहीं जाते हुए विराज देखता है। इस समय में मेरे दुकान तो वैसे भी कोई नहीं आएगा, मैं इसका पीछा करके ये तो देख लूं कि ये इतने पैसों से कर क्या रहा है। ये फैसला करके वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। हितेश का बावर्ची सामग्री खरीदने के लिए एक दुकान जाता है, वहाँ सिर्फ कुछ ही पैसे खर्च करके बाकी सारे उस सामग्री के साथ उसके घर ले जाता है। घर पहुँचते ही सामग्रियों को बगल में रख के उसके बचत के पैसों को बाकी पैसों से मिलाकर उसकी गिनती करने लगता है। ये सब विराज उसके घर की खिड़की से देखता है। अरे ये आदमी तो हितेश को धोखा देकर उससे पैसे चुरा रहा है, उससे बहुत सारे पैसे लेकर कम पैसों में सामग्री खरीदकर बाकी पैसों को ये बचत कर रहा है। इसी कारण कुछ दिनों से हितेश के दुकान में दही पूरी जल्दी खत्म हो जा रहा है, जिसके कारण सारे ग्राहक मेरे दुकान आ रहे हैं। मुझे तुरंत इस बात हितेश को बता देना होगा। उसके बाद विराज हितेश के पास जाकर उसे सब सच बताकर उसे उसके साथ ले जाकर उसके बावर्ची का सच्चा रूप दिखाई देता है। वहाँ पैसे गिनते हुए उसके बावर्ची को देख हितेश चौंक जाता है। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने जो कुछ भी करा मुझे विराज ने सब कुछ बता दिया। तुमने सोचा कि तुम मुझे धोखा दोगे और बच जाओगे? सब सच बताओ, वरना मैं तुम्हें इस गांव में रहने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने गलती कर दिया। मैंने आपको सामग्री के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए कह दिया और उसमें सामग्री कुछ ही खरीद कर बाकी में रख लेता था। ऐसे ही ये पैसे आए साहब, मैंने और कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पैसे ले लीजिए साहब। पहली बार गलती है इसीलिए माफ कर रहा हूँ। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो और कल से दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहने के कारण वो आदमी हितेश को पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। विराज, मुझे गर्व था कि मैं अमीर हूँ और इस गांव में सबसे बड़ा घर मेरा ही है। इसी कारण मुझे बहुत गर्व था और मैं बहुत अकड़ से सबसे बात कर रहा था। सिर्फ तुम्हें हराने के बहाने मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। एक बड़ा दुकान लगाया, उसमें मुफ्त का खाना दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने मेरी मदद करने से पहले एक भी बार नहीं सोचा। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, तुमने मुझे तुरंत बता दिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो और आइंदा मैं ऐसे गर्व में बात नहीं करूँगा और अकड़ में नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारे व्यापार के लिए भी अब मुसीबत नहीं बनूंगा। आज से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। तब से हितेश उसका व्यवहार बदल कर सबसे अच्छे से बात करता है और विराज हमेशा की तरह उसके दुकान को चलाते रहता है। हस्तिनापुर नामक एक सुंदर गांव में आदित्य और हरिता नामक पति पत्नी रहते थे। उनका वीना नामक एक सुंदर बेटी भी थी। आदित्य उसी गांव में गोभी मंचूरिया बना के बेचता था। वो हमेशा एक बहुत अमीर आदमी बनने की ख्याल देखता था। ऐसे ही दिन में सपने देखते देखते वो अपनी निजी जिंदगी को भूल ही जाता था। एक दिन आदित्य गोभी मंचूरिया बना के उसे बेचने लगता है। गोभी मंचूरिया, गोभी मंचूरिया, ताजा और स्वादिष्ट गोभी मंचूरिया, एक प्लेट का सिर्फ 40 रुपए, आइए बाबू आइए। उसकी चीखे सुन और उसके दुकान से आ रहे अच्छी सुगंध को देख सभी उसके पास जाने लगते हैं और वहाँ का गोभी मंचूरिया खा के ऐसे कहते हैं, अरे वाह आदित्य, गोभी मंचूरिया एकदम मस्त है, कमाल है। अरे हाँ हाँ आदित्य, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने एकदम बढ़िया गोभी मंचूरिया बनाया है। ऐसे ही सारे लोग उसके गोभी मंचूरिया की तारीफ करते हुए खुशी से खाते रहते हैं। यही तो चाहिए मुझे, एक दिन मैं ऐसे ही गोभी मंचूरिया बना बना कर बहुत ही अमीर बन जाऊंगा और मैं एक बड़ा सा गोभी मंचूरिया बनाने वाला दुकान लगाऊंगा और वहां पे भी मैं नहीं बल्कि मेरे नीचे काम करने वाले वहां गोभी मंचूरिया बनाएंगे। मैं बहुत जल्दी बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं अपना खुद का दुकान चलाऊंगा और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं खुशी से जी पाऊंगा। ऐसे ही वो उसके ख्यालों में खो जाता है। आदित्य, आदित्य, अरे आदित्य, अरे ये क्या हो गया इसको?
इतनी बार बुलाने के बावजूद नहीं मुड़ रहा है? हाँ, इसके बारे में ये तो सबको पता है। ये हमेशा उसके ख्यालों में खोया हुआ रहता है, दिन में ही सपने देखता है और निजी जिंदगी भूल ही जाता है। इस गांव में अब तक किसी ने भी इसको मंचूरिया के पैसे नहीं दिए हैं, इतना खोया हुआ रहता है ये। चलो चलो, अब इसको बुलाकर कोई फायदा नहीं है। उस आदमी के ऐसे कहने पर वो दोनों वहां से बिना पैसे दिए चले जाते हैं। आदित्य के इस बर्ताव देख उसकी बीवी बहुत चिंतित होती है। उसको हमेशा इस बात का चिंता रहता है कि ऐसे ही अगर आदित्य अपनी निजी जिंदगी के बारे में भूलकर सपने में ही जीता रहेगा तो उनकी बेटी का पढ़ाई का क्या होगा। और इसी बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहती थी। हर रोज अपने बेटी के बारे में और अपने पति के बारे में ऐसा सोच सोच कर चिंतित होने से कोई फायदा नहीं है, मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं देखते देखते अपनी बेटी का जिंदगी खराब नहीं कर सकती, इसीलिए मैं खुद से पैसे कमाऊंगी। कोई भी काम करके मैं पैसे कमाकर अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। अरे हाँ, मेरे पिताजी तो उनके खेत में गोभी उगाते हैं ना, मैं भी उनकी सहायता करूंगी और ऐसे ही मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। तो चलो, मैं गोभी उगाकर आए हुए पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। और उसके फैसले के मुताबिक ही हरिता उसके पिताजी के खेत में गोभी उगाते हुए उनकी मदद करते हुए आए हुए पैसों से उसकी बेटी को पढ़ाती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब आदित्य उसके दुकान में गोभी मंचूरिया बना रहा था तो उसे एक आदमी उसके कार में उसके आगे से निकलते हुए दिख जाता है। उसे देख वो अपने आप में सोचता है, मुझे जल्द से जल्द इस गांव में सबसे अमीर बन जाना होगा और उसके बाद मैं सबसे बड़ा कार खरीदूंगा और ऐसे ही सारा दिन उस गाड़ी में घूमता ही रहूंगा। ऐसे ही ख्यालों में खोए हुए वो दिन में सपना देखने लगता है कि वो उस गाड़ी में बैठा है और पूरा गांव सैर कर रहा है। इतने में वो भूल ही जाता है कि उसने गैस पे गोभी मंचूरिया को लगा दिया और उसे बंद नहीं किया। इस कारण गोभी मंचूरिया कुछ देर बाद जलने लग जाती है और आदित्य को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलता है। इतने में एक आदमी आदित्य के पास जाता है और उसे बुलाता है, सुनिए सुनिए भाई साहब। पर आदित्य तो उसे देखता भी नहीं है। अरे ये क्या, मैं इस आदमी को बुला रहा हूँ और ये बिल्कुल नहीं सुन रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ आकर मैं इन्हें नौकरी के लिए पूछूंगा, पर ये तो सो ही रहे हैं और जितना भी बुलाऊं उठ ही नहीं रहे हैं। पर यहाँ और कोई भी तो नहीं है, मुझे इन्हें जगाना ही होगा। हेलो भाई साहब, आप सुन रहे हैं? भाई साहब उठिए। उस आदमी के जोर से बुलाने पर आदित्य अचानक उठ जाता है। हाँ कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? भाई साहब, मैंने वो सोचा कि आपकी दुकान में अगर कोई काम हो तो। कोई भी काम चलेगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दुकान में काम खुद कर सकता हूँ। अरे यहाँ मैं आराम कर रहा था, अच्छा खासा एक सपने को देख रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे कारण मेरा अच्छा सपना टूट गया, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। आदित्य के ऐसे कहने पर वो आदमी बहुत दुखी होता है और चुपचाप वहां से चलने ही लगता है कि इतने में उसे दुकान से जलने की बू आने लगती है। ये जलने की बू कहां से आ रही है और लग रहा है कि बहुत भयानक भी है। ये सोचते हुए वो इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसको दिख जाता है कि ये बू आदित्य की दुकान से आ रही है और तुरंत वो आदित्य के पास जाकर कहता है, अरे भाई साहब, लगता है कि आपने बहुत मेहनत करके ये गोभी मंचूरिया बनाया है, पर आपने गैस बंद नहीं किया, शायद आप भूल गए होंगे। क्या, मैंने गैस बंद नहीं किया? ये कहते हुए आदित्य उसके गोभी मंचूरिया के पास भाग कर जाता है। उसे बर्बाद होते देख वो बहुत निराश होता है। मैंने इस आदमी पे चिल्लाया है और इसने फिर भी मेरा भला ही चाहा है। लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है और नेक इंसान है, इसे अगर मैं काम पे लगा लूंगा तो दोबारा जलने से बचाएगा मेरे गोभी मंचूरिया को। और उसके सिवाय अगर मैं कभी अपने ख्यालों में खो भी गया तो ये मुझे संभाल लेगा, यही बेहतर है कि ये मेरे पास काम करे। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है?
जी किरण। ठीक है किरण, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे यहाँ काम करोगे। कल से आ जाना, मैं मंचूरिया बनाऊंगा और तुम उसे जाकर अपने ग्राहक को दे दोगे, ठीक है? जी साहब, मैं कल से आ जाऊंगा काम पे। उनके फैसले के मुताबिक ही अगले दिन जब किरण काम पे आता है तो आदित्य गोभी मंचूरिया बनाते रहता है और किरण उन्हें ग्राहकों को पहुंचाते रहता है। पर हर रोज की तरह उस दिन भी आदित्य उसके ख्यालों में खोए रहता है और पैसे लेना भूल जाता है। तब किरण सारे ग्राहकों को गोभी मंचूरिया पहुंचा के उनसे पैसे ले लेता है। रात होने के बाद आदित्य वापस निजी जिंदगी में आ जाता है और कहता है, हाँ लगता है रात हो गया, चलो किरण हम सामान लेकर घर चले जाते हैं। जी साहब, और साहब आज के पैसे ये लीजिए। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने ग्राहकों से पैसे लिए हैं, और तुम ये बात छुपा भी सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया और बहुत ईमानदारी से तुमने मुझे आज के पैसे दिए हैं। मैं हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ, इसलिए कभी पैसे घर लेके नहीं गया हूँ, पर आज सिर्फ तुम्हारे कारण मैं इन पैसों को घर लेके जाने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये लो इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा है। ऐसे कहकर किरण को उसका हिस्सा देकर खुशी खुशी वो पैसे उसके घर लेके जाता है। घर जाते ही, ये लो हरिता आज के पैसे। क्या आप पैसे लेकर आए? मैंने तो सोचा ये दिन कभी नहीं आएगा जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हरिता के ऐसे कहने पर आदित्य उसे किरण के बारे में सब कुछ बताता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको काम में मदद करने के लिए एक ईमानदार और नेक इंसान मिल गया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे काम से कभी ना निकालिए जी, ठीक है? हाँ हरिता, कभी नहीं निकालूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काम खत्म हो जाने के बाद जब आदित्य पैसे लेकर घर लौटता है, वहां हरिता को दुखी देख, अरे क्या हुआ हरिता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैंने अपने पिताजी के साथ उनके खेत में गोभी उगाया था जी, पर अब मार्केट में गोभी का दाम गिर गया है, इसी कारण गोभी बेचने पर मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, और तो और मेरे निवेश के पैसों में एक भी हिस्सा मुझे लौटकर वापस नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा नुकसान हो जाएगा जी। अरे चिंतित मत हो हरिता, मेरे पास इसके लिए एक हल है। मैं वैसे गोभी का ही मंचूरिया बनाता हूँ ना, तो तुम्हारे उगाए हुए गोभी को लेकर अगर मैं मंचूरिया बना के बेचूंगा तो उससे ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और हमारा भी दुकान अच्छा ही चलेगा। ठीक है जी, मुझे भी लगता है कि ये काम करेगा। गोभी सारे खेत में इकट्ठे किए हैं मैंने, आप वहां से उसे ले लीजिए। हरिता के ऐसे कहने पर वो उसके फैसले के मुताबिक ही खेत में जाकर गोभी लेकर उसे मंचूरिया बनाता है और बेचता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वो आए हुए पैसों का गिनती करता है तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो लाभ में होते हैं। वो खुशी खुशी उसके बीवी के पास जाकर उसे ये खुशखबरी देता है। क्या आप सच कह रहे हो, हमें लाभ हुआ है? मुझे बहुत खुशी है जी। इसका मतलब तो ये है कि जब भी आप ख्यालों में खोए नहीं रहते हैं तो आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। मुझे तो लगा कि आप उन ख्यालों से कभी बाहर नहीं आएंगे, पर आज आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब से हर साल मैं अपना गोभी उगाकर आपको ही दूंगी और आप ऐसे ही लाभ बनाएंगे, मंजूर है? हाँ हरिता, मंजूर है। उसके बाद आए हुए पैसों में कुछ हिस्सा आदित्य किरण को देता है और बाकी के वो अपने दुकान में निवेश के रूप में लगाता है। आदित्य जल्द ही उसका अपना दुकान लगाकर उसमें किरण के साथ गोभी मंचूरिया बना के उसे बेचने लगता है। स्वादिष्ट गोभी मंचूरिया बनाने के कारण सारे ग्राहक उसके पास ही आते हैं और बहुत ही जल्द आदित्य बहुत अमीर बन जाता है और एक बड़ा सा गाड़ी और घर खरीद के वो उसके ख्यालों को सच में बदल देता है और खुशी से जीने लगता है। किरण, आज मैं अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और मैं खुश हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है,
अगर तुम मेरे पास भरोसे के साथ काम नहीं करते और ऐसे ईमानदार और नेक नहीं होते तो शायद मैं अपने ख्यालों को सच में कभी नहीं बदल पाता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हो? आपने अगर उस दिन मुझे नौकरी का ये एक मौका नहीं दिया होता तो मैं भी आपके साथ इतना ऊंचा नहीं आता और इतना मेरा जिंदगी नहीं बदल पाता। आज मेरी इस खुशी का कारण आप हैं। मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए उस एक मौके के लिए। आदित्य को जल्द ही उसके गलती का एहसास होता है। ख्यालों में खोकर निजी जिंदगी को भूलना अच्छा नहीं है, ये जानकर वो तब से दिन में सपने देखना छोड़ देता है। किरण और आदित्य दोनों साथ में काम करते हुए हमेशा की तरह खुश रहते हैं।